तो आइए इस अनुलोम विलोम की पवित्र क्रिया को, पवित्र प्राणायाम को हम शुरू करते हैं। इसका विधि है कि दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखते हैं, बाएं नाक से धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांसों को भरते हैं, फिर मध्यमा और अनामिका अंगुली से बाएं नाक को बंद कर लिया और दाहिने अंगूठे को हटाकर दाहिने नाक से पुनः 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांसों को बाहर किया। जब सांस बाहर हो जाए तो दाहिने नाक से पुनः 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांसों को भरिए। जब सांस अंदर हो जाए तो दाहिने अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करके अब बाएं नाक से अंगुली को हटाकर बाएं नाक से धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। फिर बाएं से भर लिया, बायां बंद करके दाहिना से छोड़ने लगा। यह क्रिया लगातार कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट तक का हो, कमर सीधा, मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो, आंखें बंद, मन शांत। अब सांसों पे ध्यान को टिकाते हुए जब सांस अंदर जाए तो आपको ऐसा लगे कि ओम को मैं सांसों के साथ अंदर ले रहा हूं, जब सांसों को बाहर करे तो ऐसा लगे कि ओम को सांसों के साथ बाहर कर रहे हैं। यानी श्वास और प्रश्वास की क्रियाएं ओम के साथ युक्त हो। जब सांस बाहर निकले तो आपको मन में संकल्प लेना है, शिव संकल्प, कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि मैं अपने भीतर के सारे विकारों को, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, जीत, हार, मान, अपमान, सबको मैं बाहर कर दूं, या बाहर हो रहे हैं। जब सांसों को अंदर भरे तो आपको लगे कि इस दुनिया का ओझ, तेज, सुख, शांति, समृद्धि सब मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहा है। मैं ब्रह्म भाव में, ब्रह्मलीन होकर अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं, सहजता पूर्वक, सहज मार्ग के साथ। और यह अभ्यास करने से हमारे जीवन में कभी नकारात्मक विचारों का प्रभाव नहीं पड़े, हमारे जीवन में कभी अशुभ संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़े, इससे माइग्रेन की बीमारी, अधकपारी की, माथा दर्द की बीमारी हो, अनिद्रा की शिकायत हो, अवसाद, डिप्रेशन की शिकायत हो, मिर्गी की बीमारी हो, नींद नहीं आने की बीमारी हो, तनाव रहता हो, क्रोध रहता हो, मधुमेह की बीमारी हो, या हमारे जीवन में असंतुलन के हम जब शिकार हो गए तो इन अभ्यासों को करके, अनुलोम विलोम का अभ्यास करके हम अपने भीतर सात्विक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का प्रादुर्भाव करते हैं। ओम।